आपका? मेरा नरेश पवार। कहाँ रहते हैं आप? मैं नरसला रहता हूँ। क्योंकि जमीन जमीन का भूखा नहीं, मैं सिर्फ न्याय का भूखा हूँ। मैं मानता हूँ मातृभूमि को, आज मैं मानता हूँ, अन्य हमेशा मानूंगा। क्या आपकी जमीन का क्या तीन चार साल से लफड़ा चल रहा है सर, कुछ कर ही रहे हैं। जमीन मेरी जमीन जिस पे मेरा कब्जा है वो दूसरे के नाम पे चढ़ा रहे हैं। क्या है सर स्थिति पूछताछ में? ये तात्कालिक सूचना हमें दी गई थी, वहाँ की किसी व्यक्ति ने सेवन किया है। TI जगेत साहब जो कोतवाली TI हैं, और मैं मौके पर तत्काल पहुँचे और हमने अपनी गाड़ी पर उनको लेके आए हैं। तात्कालिक रूप से सबसे पहले उनका स्वास्थ्य हमारे लिए प्राथमिकता है, इसलिए हमने उनको यहाँ लेके आए हैं और डॉक्टर साहब से जल्दी से चर्चा करके उनका इलाज चालू करवा दिया है। और डॉक्टर साहब जो बता रहे हैं कि वो खतरे से बाहर हैं, अभी तात्कालिक रूप से यही जानकारी है। नहीं, अभी तो ये चूँकि हमारी पहली प्राथमिकता उनके स्वास्थ्य को लेके है, इसके बाद जो भी जानकारी होगी हम आपको। आज चूंकि अभी पंचायत निर्वाचन की आचार संहिता, तो आज जनसुनवाई कार्यक्रम तो नहीं था, लेकिन वो हमें वहाँ मिले थे तो जैसी सूचना मिली है वैसा हम लेके आ गए। अभी इतनी ही जानकारी है। अभी मेरी जानकारी में इसलिए नहीं है कि मैंने पहले स्वास्थ्य को देखा उनके और पहले उनको बताया।